कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। प्यारे, यहां चल रहा है क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट का फोर्थ टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस, जिसका आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 3, जिसमें प्यारे क्या पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले फर्स्ट सेकंड लेक्चर की बात करें तो प्यारे, उन दोनों लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि डायमेंशंस क्या होते हैं और कितनी सारी क्वांटिटीज़ पढ़ ली हमने, करीबन 40-45 क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस निकालना सीख लिया इन टर्म्स ऑफ एम, एल, टी या के या थीटा या मोल वगैरह वगैरह, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस कैसे निकाले जाएँ वो हमने पढ़े, पढ़ते गए। लेकिन प्यारे, आज पता चलने वाला है कि उन डायमेंशंस का यूज़ क्या होता है, डायमेंशंस क्यों निकाले जाते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। प्यारे, अगर आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है एप्लीकेशन से तो आप आज का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं लिए हैं और आपको नहीं पता है कि डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं तो जल्दी से वो दोनों लेक्चर्स लेके आ जाइए, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ताकि ये चीज़, ये वाला लेक्चर आपको और प्यारे तरीके से समझ में आ पाए। फिलहाल प्यारे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिटेलिंग करेंगे, एप्लीकेशन बताऊंगा और इसी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करते जाएंगे। फिलहाल सबसे पहली एप्लीकेशन है प्यारे, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको कोई क्वांटिटी दे रखी है, जैसे 9th क्लास में स्पीड थी, स्पीड अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कैसे करा जाए वो पढ़ेंगे। एक एप्लीकेशन इसकी हो गई, एक यूनिट से दूसरी यूनिट कैसे कन्वर्ट किया जाए, न्यूटन से डाइन कैसे किया जाए, जूल से अर्ग कैसे किया जाए, या फलाना ढिमकाना बहुत सारी क्वांटिटीज़ की अलग अलग यूनिट हैं, उन्हें अलग एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो हम देखेंगे। दूसरा इसका है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन, फिजिकल रिलेशन और फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा और फॉर्मूला देख के आपको डिराइव करना है, चेक करना है कि वो फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूला सही है या नहीं है। डिटेलिंग इसकी अभी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही ब्रीफली इसकी एप्लीकेशन अभी बता रहा हूँ। फिलहाल तीसरी है टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको दे दिया कि बेटा काइनेटिक एनर्जी मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, जाओ उसका फॉर्मूला बताओ क्या है। बेटा, आज तक आपने अगर उसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा तब भी आप डायमेंशन की हेल्प से उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैंने कह दिया कि सरफेस टेंशन जो है डिपेंड करती है हाइट पे, रेडियस पे और डेंसिटी पे, बताओ सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होगा। बोले सर, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं है, सरफेस टेंशन क्या होती है यही नहीं पढ़ी है। लेकिन डायमेंशन की हेल्प से आप अपने आप फॉर्मूला बनाने लगेंगे। अगर आपको दे दिया जाए कि ये क्वांटिटी इन इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है तो फॉर्मूला बना सकते हैं, अपने आप डिराइव कर सकते हैं रिलेशन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में। कैसे, उसकी हम डिटेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट एप्लीकेशन से। तो प्यारे, फर्स्ट एप्लीकेशन की डिटेलिंग स्टार्ट कर दें, हाउ टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। फिर से बता दूं, जैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना है, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर करना है, या किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आर स्क्वायर में करना है, फलाना ढिमकाना कैसे करी जाए उसकी पहले थ्योरी समझिए कैसे करी जाए। जैसे बेटा, सिंपली अगर आपसे कहा जाए कि 36 किलोमीटर पर आर है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो बेटा ये जो एक रिलेशन है इसमें आप देखिए, एक इधर नंबर है, ऑब्वियसली इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो एक नंबर इधर आएगा, मान लें लेट इट बी एक्स, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो हमने एक इक्वेशन इस तरीके से लिखी है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक
उस फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू जिसे हम नंबर कह सकते हैं, और एक उसकी यूनिट, ठीक है, इसे यू से डिनोट कर दें, इसे एन से डिनोट कर दें। ऐसे ही एक इधर नंबर है और एक इधर यूनिट है, क्योंकि ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, तो हम इसको यू वन से डिनोट कर दें, इसे यू टू से, ऐसे ही इसे एन वन से, एन टू से। तो बेटा हमें इस पूरे में क्या निकालना है, एन टू निकालना है। एन टू कैसे निकालें, वो डायमेंशन की हेल्प से बता रहे हैं। बेटा आप देखिए, यूनिट दोनों जगह अलग अलग हैं, लेकिन बेटा डायमेंशन तो दोनों जगह सेम होंगे, क्योंकि हैं तो दोनों जगह वेलोसिटी 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 के क्या डायमेंशन होते हैं, एल टी माइनस वन, तो वही डायमेंशन एल टी माइनस वन यहाँ होंगे, एल टी माइनस वन यहाँ होंगे। वो बात अलग है कि यूनिट अलग अलग है, लेकिन डायमेंशन तो दोनों तरफ सेम होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ वेलोसिटी है, बस यूनिट्स अलग हैं। तो बेटा डायमेंशन जो यहाँ होंगे जैसे एल टी माइनस वन, वही डायमेंशन यहाँ होंगे एल टी माइनस वन, बस यहाँ वैल्यू अलग होगी, यहाँ वैल्यू अलग होगी। तो अगर हमें एन टू निकालना है, एन टू निकालना है, तो आप देखिए डायमेंशन दोनों जगह सेम रख दिए, लेकिन यहाँ पावर सेम है, लेकिन यहाँ वन वन लिख दिया, यहाँ टू टू लिख दिया। तो आप देखिए अगर हमें एन टू निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली एन टू निकालने के लिए ये वाली क्वांटिटी नीचे ले जाएंगे। एल टू कहाँ लिखेंगे, एल वन के नीचे एल टू लिख देंगे, टी टू टी वन के नीचे टी टू लिख देंगे। जैसे देखिए एल वन अपॉन एल टू, ठीक है, और उस दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, वन, इधर भी वन इधर भी वन, तो पावर वन। ऐसे ही टी टू इसके नीचे लिख दीजिए, टी वन के नीचे टी वन अपॉन टी टू, ठीक है, और दोनों की पावर कितनी कर दीजिए, माइनस वन, इसकी भी माइनस वन इसकी माइनस वन, तो टोटल माइनस वन। अब अगर आपको एन टू निकालना है तो सिंपली ये सारी वैल्यूज डाल दीजिए। जैसे एन वन की वैल्यू क्या थी, एन वन की थी 36, ठीक है ना। अब यहाँ लेंथ की बात आई, बोले सर लेंथ क्या करें, बेटा यहाँ पे वन वन से पहला सिस्टम ऑफ यूनिट डिनोट हो रहा है, टू टू से सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट डिनोट हो रहा है, तो फर्स्ट सिस्टम में लेंथ की क्या यूनिट है, लेंथ की यूनिट है किलोमीटर, तो लेंथ की जगह लिख दीजिए किलोमीटर, जबकि टाइम की क्या यूनिट है, आर। ऐसे ही दूसरे सिस्टम में लेंथ की क्या यूनिट है, मीटर, और टाइम की सेकंड, तो दूसरे सिस्टम में लेंथ की यूनिट लिख दीजिए मीटर और टाइम की सेकंड, और होल की पावर माइनस वन, चल ही रहा है, इस तरीके से एन टू आ जाएगा। यहाँ पे क्या करें अगले स्टेप में, बेटा कुछ ऐसा करिए कि ये कट जाए, क्या कट जाए, यहाँ पे किलोमीटर को मीटर लिख दीजिए, कितने मीटर होता है, यस 1000 मीटर, और नीचे मीटर है ही है। ऐसे ही आर को सेकंड में कर दीजिए, कितना होता है 3600 सेकंड, और नीचे सेकंड है ही है, माइनस वन मत भूलिए, इसको काट पीट करिए, ये मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, ये बन गया 36 × 1000, और ये पावर बेटा माइनस वन है, तो अगर माइनस वन को प्लस वन करना चाहते हैं तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसे नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस वन हो जाएगी, लीजिए पावर प्लस वन हो गई, नहीं लिख रहा प्लस वन, ठीक है, काट दीजिए, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 36 से 36 कट गया, क्या आंसर आ गया, n2 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये चीज़ आपकी यहाँ से सॉल्व हो गई, n2 निकल आया, n2 कह लो या x कह लो, वो निकल आया आपका 10, यानी 36 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोले अरे सर ये क्या रायदा फैला दिया, सर इतने लंबे मेथड में 10 मिनट लगा दिए, ये तो हम चुटकियों में निकाल लेते हैं। बोले अरे सर किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, बोले सर 36 × 5/18 कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में हो जाता है। सर देखिए 1 ज़ा 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 आ गया, ये लीजिए कन्वर्ट हो गया। हाँ भाई बात बिल्कुल सही है आपकी। बोले सर ये तो बहुत आसान है। हाँ इससे आसान है बेटा। बोले सर इसकी क्या ज़रूरत है, बेटा ये तो ऐसी क्वांटिटी है जिसको कन्वर्ट करना आपने बचपन में सीखा है, मतलब 9th क्लास में सीखा है कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा अभी 11th क्लास में कई ऐसी क्वांटिटीज़ आएंगी जिसको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आपने डायरेक्ट सीखा ही नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या 5/18 करेंगे हर जगह, नहीं, वहाँ कौन सा मेथड हेल्प करेगा, यही वाला मेथड हेल्प करेगा। और ये मेथड अभी देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी जब इसके एग्जांपल्स कराऊंगा तो आप देखिए कैसे चुटकियों में आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे। इन जनरल ज़रा देखिए, अगर कोई भी मैंने यहाँ से इस तरीके से बोलूँ, एक बार यहाँ से लिख रहा हूँ, इन जनरल अगर
एक कोई सिस्टम ऑफ यूनिट है वन, एक टू, तो दोनों में एक नंबर होता है यूनिट होती है, एक नंबर होता है और यूनिट होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया, यहाँ पे हमें एक नंबर दे रखा होता है, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने पर दूसरी यूनिट में वो क्या वैल्यू होगी वो निकालना होता है। लेकिन फिर से एक बात है, नंबर तो अलग अलग होगा, वैल्यू तो अलग अलग होगी दोनों जगह ये वाले नंबर की, लेकिन बेटा यूनिट अलग अलग होगी, लेकिन क्या सेम होगा, डायमेंशन सेम होंगी, और डायमेंशन एम, एल और टी के टर्म्स में ही जनरली लिखी जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम, एल और टी के टर्म्स में, जैसे यहाँ पे एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन थी, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन और एम की पावर ज़ीरो थी, तो वही यहाँ पे थी एम एल टी, टी माइनस वन, एल वन और एम ज़ीरो, दोनों जगह डायमेंशन सेम होगी। लेकिन इन जनरल लिख रहा हूँ तो बेटा ये थोड़ी पावर्स हमेशा यही थोड़ी होंगी, पावर्स कुछ भी हो सकती हैं, लेट से इसकी पावर ए, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी, लेकिन जो इधर पावर हैं वही पावर्स इधर होंगी ए बी सी, लेकिन यूनिट्स अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे 111 लिख देंगे और यहाँ पे 222 लिख देंगे। तो अगर हमें एन टू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये नीचे ले आएंगे, एम वन के नीचे एम टू, और होल की पावर क्या है ए और ए, डायमेंशन दोनों सब सेम है तो ए ए हो जाएगा, है ना। ऐसे ही एल वन के नीचे एल टू और दोनों की पावर कितनी है बी, और ऐसे ही टी वन के नीचे टी टू और दोनों की पावर सी। इस तरीके से सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या नंबर आएगा वो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। हो सकता है ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो प्यारे फर्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइन, डायन नहीं डाइन, ठीक है। अच्छा प्यारे, क्या आपको ध्यान है न्यूटन और डाइन किसकी यूनिट होती है? जी हाँ, फोर्स की। अगर हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, या कह लें एमकेएस यूनिट होती है। फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था आपको सिस्टम ऑफ यूनिट तीन तरीके के पढ़े थे, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अगर मास, लेंथ, टाइम मीटर, किलोग्राम और सेकंड में होता है तो उसे एमकेएस यूनिट बोलते हैं या एसआई भी बोल देते हैं, और अगर वो मास, लेंथ और टाइम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में होता है तो उसे सीजीएस यूनिट बोलते हैं। ये दोनों यूनिट्स आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में पढ़ रखी हैं, तो ये अज्यूम करा जा रहा है कि आपको ये पता है कि न्यूटन इसकी एमकेएस यूनिट है और डाइन इसकी सीजीएस यूनिट है। तो कैसे कन्वर्ट करें, वैसे तो आपको डायरेक्टली पता होगा कि सर वन न्यूटन में 10^5 डाइन होते हैं, लेकिन यू हैव टू शो कि कैसे होता है, या अगर आपको नहीं पता है तो कैसे निकाला जाए वो आप देखिए। सिंपली आप ऐसा करेंगे कि वन न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन वो आपको निकालना है। लेट से यहाँ पे एक्स लिख दें, चाहे एन लिख दें, चलिए एन लिख दे रहे हैं, ये एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालने के लिए ये करेंगे, एक वैल्यू यहाँ दे रखी है, ये वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ तो वन लिख लीजिए, यहाँ एन लिख लीजिए, और यहाँ के दोनों तरफ फोर्स हैं, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, तो बेटा डायमेंशन तो दोनों तरफ सेम होंगे। फोर्स के क्या डायमेंशन होते हैं? जी हाँ, एम एल टी माइनस टू, जो डायमेंशन इधर वही डायमेंशन इधर, एम एल टी माइनस टू। लेकिन यहाँ फर्स्ट सिस्टम है तो 1-1 लिख दें, यहाँ 2-2-2 लिख दें। बेटा कहीं 1-1 ऊपर मत लिख देना, 2-2 ऊपर मत लिख देना, ऊपर वाली जो पावर्स हैं वो तो दोनों तरफ सेम होंगी, क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम होंगे सेम क्वांटिटी होने की वजह से, नीचे लिखेंगे 1-1, 2-2। तो बेटा n निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 वैसे ही लिखा रहने देंगे, एम वन के नीचे एम टू, एल वन के नीचे एल टू और टी वन के नीचे T2, लेकिन पावर M की 1 थी, L की भी 1 थी दोनों तरफ, लेकिन T की -2 थी, तो यहाँ भी -2 हो जाएगी। अभी कुछ नहीं, सिर्फ यूनिट्स डाल दीजिए। बेटा जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, इधर इधर की तरफ न्यूटन है, उधर की तरफ डाइन है, न्यूटन MKS है जबकि डाइन CGS है, तो MKS का मतलब जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें मास की यूनिट क्या होगी किलो में, लेंथ की मीटर में,
और टाइम की सेकंड में, तो फर्स्ट सिस्टम है MKS में कर दिया, जबकि जो सेकंड सिस्टम है वो है CGS, सी मतलब सेंटीमीटर, लेंथ होगी सेंटीमीटर में, जी मतलब ग्राम, मास होगा ग्राम में, और एस मतलब टाइम होगा सेकंड में, तो ये MKS और ये CGS। पावर वैसे ही लिखती रहने दीजिए, इसकी पावर भी 1, इसकी भी 1, जबकि इसकी पावर -2। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिट सेम करिए, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, जी हाँ 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर वैसे ही, अरे सेकंड से सेकंड तो कट गया, और ये बच गया 1, और 1 की कुछ भी पावर हो, -2 -10 कुछ भी, 1 की एनीथिंग पावर 1 ही होता है, तो इसे 1 लिख दिया। ये लीजिए ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और ये कितना आ गया, इनकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, यानी 10^5 इंटू 1 था तो वही रह गया, ये n की वैल्यू आपके पास आ गई, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये लिखा हुआ है इसको यहाँ लिख दीजिए, 10^1 न्यूटन इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी, 10^5 डाइम। समझ पा रहे हैं, इजी है। एक एग्जांपल और देखते हैं, 2-3 एक दो एग्जांपल और इजी हो जाएगा। देखिए बेटा, अभी आया कन्वर्ट 1 जूल इंटू आर्क, अभी 1 न्यूटन था, न्यूटन की जगह जूल हो गया है। जूल बेटा किसकी यूनिट होती है, जैसे न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, जूल किसकी यूनिट होती है, जी हाँ वर्क की कह लो या एनर्जी की कह लो, ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। हमें 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, जैसे जूल यूनिट है एनर्जी की, ऐसी अर्ग भी एनर्जी की ही यूनिट है। वो बात अलग है कि ये इसकी MKS यूनिट है, SI यूनिट है, और ये इसकी CGS यूनिट है। फिर से ये अज्यूम करा जा रहा है कि आपको पता है ये छोटी यूनिट है, ये CGS यूनिट है, तो सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1, दोनों तरफ एनर्जी है तो दोनों तरफ डायमेंशन सेम होंगे, डायमेंशन लगाएंगे जूल के, ML2T-2, एनर्जी के डायमेंशन ML2T-2, जो इधर वही इधर ML2T-2, लेकिन यहाँ यूनिट्स अलग अलग हैं, तो ये फर्स्ट सिस्टम और ये सेकंड सिस्टम, और इसमें क्या वैल्यू होगी वो आपको निकालना है। सिंपली x निकालने के लिए ये सारी चीज़ें इसके नीचे आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1, M1 के नीचे M2, L1 के नीचे L2, T1 के नीचे T2, ठीक है। और पावर जो जैसी हैं वो वैसे ही रहेंगी, M1 की M2 की दोनों पावर 1 है, जबकि L की दोनों तरफ 2 है तो 2 हो गई, और T की दोनों तरफ पावर -2 है, तो ये -2 से यहाँ निकालेंगे कैसे, बताइए अगला स्टेप क्या होगा, जी हाँ क्या, कि दोनों तरफ यूनिट्स डालेंगे। फर्स्ट वाला जो सिस्टम है वो MKS सिस्टम है, MKS यूनिट डाल देंगे, मीटर किलोग्राम सेकेंड, जैसे लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, और टाइम की सेकंड। दूसरा है CGS, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, लेंथ की सेंटीमीटर, मास की ग्राम, और टाइम की सेकंड, CGS MKS, और दोनों को जो जैसी पावर थी वो आप वैसे ही पावर लगा देंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, और यहाँ -2, ठीक है प्यारे, और 1 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अभी कन्वर्ट करिए यूनिट को, बताइए ज़रा 1 किलो में कितने ग्राम, जी हाँ कितने, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में करिए, कितने, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेकंड तो कट गया बेटा, एनीथिंग रेस टू दी पावर 1 की कुछ भी पावर हो 1, ये लीजिए, इस तरीके से अपने आप सॉल्व कर लीजिए। ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और ये हो गई, यहाँ पे स्क्वायर लगाना बेटा रह गया, ध्यान रहिए, ये ऐसे एक एक स्टेप में ये वैल्यूज़ स्क्वायर वगैरह लगाना ना भूल जाएं। तो ये क्या बचा, एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये था 1000 और उसके बाद था आपका 100 का स्क्वायर, तो बेटा ये हो गया 10^3, और ये 10^2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 10^4, इसका मतलब ये है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्क, ये रिलेशन आ गई। समझ पा रहे हैं अभी बेटा, ये मैंने कराया है, ये अपने आप
पॉज करके फिर से अपने आप करिए, नहीं आए तो ही सोल्यूशन देखिएगा। ये कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे करा रहा हूँ तीनों एप्लीकेशंस के। बाद में कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस अगले लेक्चर में हम कराएंगे। तो अभी सिर्फ मॉडल टाइप क्वेश्चन है, हायर लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो वो उसके लिए एक अलग से लेक्चर रखेंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स कराएंगे। उसका अगर लिंक आपको चाहिए तो कुछ ही टाइम में, दो तीन दिन में, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे लिंक्स नीचे डाल दूंगा, आप डायरेक्ट जंप करके देख सकते हैं। और उसके बाद हाँ, हम एक लाइव लेक्चर भी रखेंगे जिसमें मेरे साथ साथ आप न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे, जिसका लिंक भी नीचे देंगे। ठीक है प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम इज इतना। जी क्या होता था? जी हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लोअर क्लास में पढ़ा है। उसकी सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट है, एसआई सिस्टम में बताइए, एसआई यूनिट बताइए, एसआई का मतलब एमकेएस में बताइए कि उसकी क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल वही करिए, फिर से वही 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर ग्राम स्क्वायर। ये एक सिस्टम है, इसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसमें वैल्यू मान लें एक्स है, लेकिन बेटा यूनिट क्या होगी? अभी यहाँ डायमेंशन की बजाय मैं यूनिट से करके बता रहा हूँ। क्या करेंगे बेटा बताओ, यहाँ डाइन की जगह क्या आना चाहिए? डाइन की जगह, जी हाँ, एसआई में होता है न्यूटन, और सेंटीमीटर की जगह मीटर का स्क्वायर, और जी की जगह किलोग्राम है ना। तो बस सिंपली आप क्या करिए कि ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये सारी चीज़ें नीचे ले आइए, ये सारी चीज़ें नीचे लाइए, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डाइन के नीचे न्यूटन, सेंटीमीटर के नीचे मीटर, और ग्राम के नीचे किलोग्राम। लेकिन बेटा जो पावर जैसी है उसको वैसे ही रहने दो। यहाँ जो ये है डाइन और न्यूटन, पावर 1 है, सेंटीमीटर मीटर की 2 और ग्राम की माइनस 2, इससे एक्स निकल आएगा। देखिए उसके लिए यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया आपका एक न्यूटन। न्यूटन में कितने डाइन होते हैं अभी पढ़ते आ रहे हैं, ऊपर डाइन रहने दो, एक न्यूटन में 10 to the power 5 डाइन। ठीक है, ऐसे ही बताओ सेंटीमीटर को चेंज करोगे या मीटर को? मीटर को कन्वर्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक मीटर में 10 to the power 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही ग्राम को करोगे या केजी को? जी हाँ, केजी को, एक किलो में कितने ग्राम? 10 to the power 3 ग्राम की पावर माइनस 2। ऐसा करने से डाइन कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, ये 6.67 इंटू 10 to the power -8, नीचे बचा 10 to the power 5, और बेटा 10 to the power 2 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे 10 to the power 4, और 10 to the power 3 का स्क्वायर 10 to the power 3 2 6 हो जाएगा नीचे 10 to the power 6 होगा, ऊपर जाके चलो ऐसे ही कर दे रहे हैं, नीचे हो जाएगा 10 to the power -6, 3 into -2 -6, इसको एक ही बार में कर दे रहा हूँ, नीचे माइनस 6 है तो ऊपर जाके प्लस 6 हो जाएगा, चलो ऐसे ही लिखा रहने दें। ये अभी नीचे देखिए 5 और 4 9, और 9 माइनस 6 3, और 3 ऊपर जाके माइनस 3 होगा, तो ये बन जाएगा 6.67 इंटू 10 to the power -8 -3, ये वैल्यू आ गई। तो आप ये कन्वर्जन लिख देंगे कि दिस इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कन्वर्जन तो कर दिया बेटा आपने, लेकिन यहाँ पे आपने डायमेंशन की तो हेल्प ली ही नहीं। अगर उनने कह दिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन तो कैसे करेंगे? ये मैंने कर दिया, डायमेंशन नहीं लगाए, डायमेंशन की हेल्प से करते तो देखिए कैसे करते, और फिर देखिए कि क्या आसान रहता इस केस में। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, देखिए डायमेंशन की हेल्प से करते तो आप यहाँ लिखते कि ये है इसकी दोनों तरफ देखें तो इस तरफ भी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, इस तरफ भी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, तो दोनों तरफ क्या तो सेम ही होगा, डायमेंशन सेम होंगे, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो जल्दी से साइड में निकाल लो। एफ का फॉर्मूला होता था क्या? जी एफ का फॉर्मूला होता था जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर।
तो g का क्या हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो डाल दो जल्दी से फोर्स के, mlt माइनस टू, ठीक है, और ये डिस्टेंस के एल स्क्वायर, और मास इंटू मास के m इंटू m, कितना हो गया m स्क्वायर, ठीक है, m से m कट गया, ये m ऊपर जाके m माइनस वन, और l3 और t माइनस टू। तो ये इस तरीके से आपका ये आ गया। ये बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कई बार यूज़ होता है, तो इसके डायमेंशन याद कर लो तो अच्छा रहेगा, डायरेक्ट आप लिख पाओगे m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो ये है, दोनों तरफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दोनों के डायमेंशन यही होंगे, m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, और इधर भी यही होगा m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। इधर वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस एट, और इधर निकालनी है, ये जो है ये सी जी एस है इधर की तरफ, और इधर एस आई का मतलब एम के एस में आपको निकालना है कि क्या होगा। तो सिंपली वही काम करो, एक्स निकालने के लिए ये यहाँ ऐसे ही रहने दो, M1 M के नीचे यहाँ 111 आएगा, यहाँ 222, M1 के नीचे M2, L1 के नीचे L2, T1 के नीचे T2, पावर जो जैसी हैं वो वैसे ही लगा दो, माइनस वन थ्री और माइनस टू, माइनस वन थ्री और माइनस टू। अभी वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो जल्दी से, M1 L1 T1 CGS में है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, लेंथ की सेंटीमीटर, मास की ग्राम और टाइम की सेकंड। ये MKS है यानी मीटर किलो सेकंड, लेंथ की मीटर, इसकी किलोग्राम और इसकी सेकंड। पावर वैसे ही कर दो, माइनस वन थ्री और माइनस टू, और एक्स निकालने के लिए यूनिट का कन्वर्जन कर दो। अब तो अपने आप कर ही दोगे, ये ग्राम से किलोग्राम से ग्राम करो, 10 to the power 3 ग्राम, यहाँ पे वही 10 to the power 2 सेंटीमीटर, और ये तो बेटा आप देखिए माइनस वन है, ये थ्री है, ठीक है ना, और ये तो कट गया, वन की कुछ भी पावर करो वो वन ही आएगा, ये एक्स हो गया, यहाँ पे ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 6.67 इंटू 10 to the power -8। और ये आप देख रहे हैं, ये बेटा माइनस वन है ऊपर जाके, यानी ये नीचे हो जाएगा 10 to the power -3, और ये 2 3 6, तो 10 to the power 6, और इसे जब आप निकालेंगे तो ये माइनस थ्री और प्लस सिक्स माइनस थ्री हो जाएगा, सॉरी थ्री हो जाएगा, और ऊपर जाके वही आंसर आ जाएगा 10 to the power -11 जो यहाँ आया था। लेकिन ये डायमेंशन की हेल्प से है, ये डायरेक्ट किया है, तो बेटा कायदे में आपको 11th में ऐसे ही करना है, ठीक है, ओके। दोनों मेथड देख लीजिए, अपने आप करिए, देख तो लिया, समझ तो लिया, अब पॉज करके अपने आप करिए, ठीक है। तो प्यारे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, आगे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मज़े आने वाले हैं अगर आप मन से ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं तो। मेरे साथ ये सारे क्वेश्चंस लगाते जाइए, अपने आप भी करते जाइए, सिर्फ मूवी मत देखिए, साथ साथ में नोट करते जाइए। फिलहाल बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 joule per minute, बोले हैं कि 60 जूल पर मिनट को एक दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। थोड़ा अलग क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से, सॉल्व करते करते समझ में आएगा कि क्या पूछ रहे हैं और क्या करना है। फिलहाल अभी इतना दिखा कि ये 60 जूल पर मिनट को एक दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो जितने भी हम कन्वर्जन वाले बेटा क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें हमें मालूम है कि दोनों तरफ वैल्यूज़ तो अलग अलग होती हैं, नंबर तो अलग अलग होता है n1 n2, लेकिन सेम क्या होता है, दोनों तरफ डायमेंशन सेम होती हैं, तो दोनों तरफ सेम डायमेंशन डालने के लिए कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि दोनों तरफ जो डायमेंशन डालनी है वो कौन सी क्वांटिटी की डालनी है। जैसे इससे पहले हमने जूल वाला किया तो हमें पता था कि एनर्जी की दोनों तरफ यूनिट डालनी है, फोर्स वाला किया यानी दोनों तरफ हमने न्यूटन और डाइन यानी फोर्स की डायमेंशन डालनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें ये पता ही नहीं है कि जूल पर मिनट कौन सी क्वांटिटी होती है और इसके डायमेंशन क्या होते हैं। तो हम पहले ऐसे करते हैं ऐसा कुछ कि इसे कन्वर्ट करके इसे एसआई में कन्वर्ट करते हैं तो शायद कुछ समझ में आए। जैसे
प्यारे ये जो वैल्यू दे रखी है 60 जूल पर मिनट, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 60 जूल अपॉन मिनट। तो बेटा जूल तो ऐसा ही क्वांटिटी, ऐसा ही यूनिट है, जूल ऐसा ही यूनिट है, लेकिन मिनट तो ऐसा ही नहीं है। तो पहले सबको ना ऐसा ही में कन्वर्ट कर लो ताकि ये पूरा ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। तो एक मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड में। और कितने सेकंड होते हैं? जी हाँ, कितने? 60 सेकंड। तो आप ये देखिए, ये कट गया तो ये आ गया आपका 1 जूल पर सेकेंड। अब क्या करिए, ये किसकी, ये जो जूल लिखी है ये किस, कौन सी क्वांटिटी की यूनिट है? आपको पता है जूल है किसकी? जी हाँ, एनर्जी की कह लो चाहे वर्क की कह लो। तो ऐसा करो, ऊपर भी डायमेंशन डाल दो, नीचे भी डायमेंशन डाल दो। ऊपर क्या डायमेंशन डालोगे? वर्क के। वर्क के क्या होते हैं? ML T-2। और नीचे ये क्या है? सेकेंड। सेकेंड ये किसकी डायमेंशन है? टाइम की। तो ये ऊपर चला गया तो क्या बन गया? ML T-3। ML 1 ऊपर जाके -3। तो बेटा कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि ये जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसके डायमेंशन क्या है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इधर 60 जूल पर मिनट है तो दूसरी तरफ क्या वैल्यू होगी वो निकालने के लिए डायमेंशन दोनों तरफ हम ML T-3 लगाएंगे। ठीक है, अभी आप देखिए गड़बड़ कर दी बेटा। जूल है, जूल एनर्जी की यूनिट है, यहाँ ML2 आएगा। ठीक है, यहाँ ML2 आएगा। तो आप क्या करिए, एक इधर ऐसा ही लिखिए और इधर न्यू सिस्टम में लिखिए, न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम। अब ज़रा देखिए, ऐसा ही में जो हमने कन्वर्ट कर लिया है उसमें मास है, लेंथ है और टाइम है, और दोनों तरफ भी मास, लेंथ, टाइम होंगे। यहाँ 111, यहाँ 222। मास ऐसा यूनिट में क्या होता है? kg, 1 kg। लेंथ कितनी होती है? मीटर। और टाइम? सेकेंड। ऐसे ही जो न्यू सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उसमें उन्होंने दिया है कि जो मास की यूनिट है वो केजी ना हो के ग्राम, वो भी कितनी ग्राम? 100 ग्राम। जनरली मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है, एसआई में कितना केजी? 1 kg। लेकिन जो नया सिस्टम है उसमें ग्राम में है, वो भी 1 ग्राम नहीं, 100 ग्राम। ऐसे ही लेंथ की क्या है यूनिट? 100 सेंटीमीटर। और टाइम की क्या है? 1 मिनट। ठीक है प्यारे, ये हमने दोनों तरफ लिख लिया। अब सिंपल वही करते हैं, फॉर्मूला क्या लगता है? N1 U1 = N2 U2। आप देखिए, पहली वाला जो सिस्टम है ये इधर ऐसा ही है और इधर न्यू सिस्टम है। तो आप देखिए, अगर हमें न्यू सिस्टम वाली वैल्यू निकालनी है तो ये बाकी सारी वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। जो पहला वाला सिस्टम था ऐसा ही, उसमें ये वैल्यू निकल के आई 1, और डायमेंशन तो इधर भी ML2 T-3 होएंगी और इधर भी ML2 T-3 होएंगी। यहाँ 111, यहाँ 222। यहाँ जो वैल्यू नंबर निकल के आई है वो 1 आया है, इधर क्या आएगा वही हमने निकालना है, चाहे इसे N2 ले लें चाहे X ले लें। तो चलिए, N2 निकालने के लिए ये सारी चीज़ें इसके नीचे जाएंगी, यानी M1 के नीचे M2, L1 के नीचे L2, T1 के नीचे T2। लेकिन इसकी दोनों की पावर 1, 1, इन दोनों की पावर 2, 2, और इन दोनों की पावर -3। यहाँ डाल दीजिए M1, L1, T1 फर्स्ट वाले सिस्टम, और फिर से फर्स्ट वाले सिस्टम में अगर देखिए तो 1 kg 1 meter 1 second, 1 kg नहीं, मास की क्या है? kg। लेंथ की 1 meter और टाइम की सेकेंड। दूसरे वाले सिस्टम में मास की 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट। अभी सिंपली क्या करना है, जो पावर थी वो वैसे ही लिखिए, जो नंबर था वो वैसे ही, और यहाँ पे कन्वर्जन कर दीजिए, किलो को ग्राम में कर दीजिए। किलो को ग्राम में करने के लिए पहले 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, और नीचे 100 ग्राम लिखा ही है। ऐसे करने से ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे। फिर मीटर को सेंटीमीटर में, कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, और नीचे 100 लिखा हुआ ही है। ठीक है, इसका स्क्वायर। ऐसे ही इसमें किसको कन्वर्ट करेंगे, सेकंड को या मिनट में? मिनट को। जी हाँ, मिनट को। मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ये लीजिए, वैल्यू आ गई आपकी N2 की, यहाँ पे ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो। तो यहाँ क्या बचा आपका, इधर लिख रहा हूँ, यहाँ बचा आपका सबसे पहले 10, 1 तो हटाई दीजिए, फिर यहाँ पे 1 बचा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और फिर यहाँ 1/60 की पावर -3 बचा। तो बेटा अगर इसे ऊपर ले जाएं तो पावर +3 हो जाएगी, तो 60 की पावर
प्लस 3 इज इक्वल टू एन टू। बेटा ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 की पावर 3 का मतलब एक तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब यानी 6 × 6 × 6 यानी 36 × 6 और 36 × 6 6 6 36 6 3 18 216 ये आ गया, 6 का क्यूब हो गया 216 और 3 जीरो इधर 1 जीरो इधर, ये हो गया आपके 4 जीरो, ये n2 की वैल्यू आ गई जो हमने निकालनी थी। लेकिन आपको बताया है फिजिक्स में स्टैंडर्ड है कि डेसिमल पहली वाली डिजिट के बाद होना चाहिए, जबकि यहाँ तो यहाँ लगा है, तो आप डेसिमल को दो डिजिट पीछे ले जाइए तो 2.16 × 10⁻² पीछे गया तो पावर 2 आगे जाएगी, ये n2 की वैल्यू हो गई। तो आप ये लिख देंगे 10 आखिरी में लिख दीजिए, 60 जूल पर मिनट इज इक्वल टू 2.16 × 10⁶ इन न्यू यूनिट्स, न्यू यूनिट्स जो यहाँ पर लिखी हैं। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है प्यारे, ओके प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी कुछ उसकी तरह है। एक बार फिर से बता दूं बेटा, जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको यहाँ पर पॉज का इस्तेमाल बार बार करना है, जहाँ पर भी आप अपने आप कर सकते हैं पॉज करके उसके बाद अपने आप करिए, और पूरा कर लिया आपने देखने के बाद तो फिर से पॉज करके अपने आप करिए। फिलहाल चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम। कह रहे हैं एक वैल्यू है 100 जूल, इसे दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिस सिस्टम में यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, जनरली मास, लेंथ एंड टाइम SI में किलो मीटर और सेकंड होता है, CGS में ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड होता है। जैसे ये 100 जूल है बेटा, ये मालूम है ये SI यूनिट है, MKS में है, इसे दूसरे सिस्टम में जनरली कन्वर्ट करने को बोलते तो कहते इसे CGS में करो, तो CGS में हम कर लेते जिसमें मास, लेंथ और टाइम की यूनिट ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड होती। लेकिन यहाँ पे ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड ना हो के ग्राम की जगह 250 ग्राम है, सेकंड की जगह हाफ मिनट है और सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर है। कैसे करना है? बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप देखिए दो सिस्टम है, एक है आपका SI सिस्टम तो SI इधर लिखा, और एक न्यू सिस्टम है, कॉलम बना के इस तरीके से करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। दोनों तरफ MLT या 111 यहाँ 222, क्योंकि SI सिस्टम है बेटा तो मास की क्या होती है, जी हाँ kg, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, और वैल्यू क्या 111, जबकि दूसरा सिस्टम जो है उसमें मास की क्या दे रखी है 250 ग्राम, लेंथ की कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। बेटा बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको लग रहा हो अरे सर इधर मीटर है तो इधर सेंटीमीटर होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर क्यों? नहीं बेटा है, अगर सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर है तो उसी के टर्म्स में आंसर निकालना है, तो जो दे रखा है करते जाइए। टाइम की हाफ मिनट, हाफ मिनट को मैं लिख दे रहा हूँ कितना 0.5 मिनट। फिलहाल ये दो सिस्टम हो गए, अब फिर वही कन्वर्जन वाला सिस्टम लगाएंगे, N1 U1 = N2 U2। ये SI सिस्टम है एक तरफ न्यू सिस्टम है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सिस्टम में वैल्यू क्या दे रखी है 100 जूल, लेकिन ये जूल है बेटा तो जूल किसकी डायमेंशन होती हैं, जी हाँ एनर्जी की होती हैं, तो इधर भी एनर्जी के डायमेंशन लिखेंगे और इधर भी एनर्जी के, दोनों तरफ डायमेंशन सेम होते हैं, तो ऐसा करिए एनर्जी के डायमेंशन लिख दीजिए, एनर्जी के क्या होते हैं ML2 T-2, और इधर N2 की वैल्यू आपको निकालनी है जबकि डायमेंशंस वही होंगे ML2 T-2, ठीक है। यहाँ पे 111 जबकि यहाँ पे 22 और 2, ठीक है प्यारे। अभी पॉज करिए और अपने आप करिए, नहीं हो तो वापस आइए। चलिए देखिए आंसर मैच करिए हुआ कि नहीं हुआ, 100 यहाँ पे लिखा, ठीक है। अभी N2 निकालने के लिए सारी चीज़ें इसके नीचे आएंगी, M1 के नीचे M2, L1 के नीचे L2, T1 के नीचे T2, इसकी पावर -2, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, ठीक है ये N2 निकलेगा। चलिए यहाँ से देख के वैल्यूज डाल दीजिए, बस ये हो गया आपका M1 kg मीटर सेकेंड, तो kg मीटर और सेकेंड डाल दीजिए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर -2, यहाँ आ गया kg मीटर सेकेंड, जबकि यहाँ मास, लेंथ, टाइम की क्या है सेकेंड वाले सिस्टम में 250 ग्राम
20 सेंटीमीटर और 0.5 मिनट। अभी बहुत सिंपल हो गया है, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन करना है। यहाँ पे केजी को कन्वर्ट करके लिखिए कितना ग्राम, 1000 ग्राम, और नीचे 250 ग्राम लिखा हुआ ही है, ठीक है। मीटर को चेंज करिए सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर और नीचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे किसको, मिनट को कन्वर्ट करेंगे, ऊपर सेकंड लिखा है और नीचे 0.5 को मिनट में करने के लिए इनटू 60 करेंगे, ठीक है। ये की पावर -2 इज इक्वल टू इनटू सेकंड, यहाँ सेकंड से सेकंड कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ कट गया 1 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 5 ज़ा, ठीक है। इसे पॉइंट हटाएं तो ऊपर 10 लगा, ये कटा तो नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या बचा, 100 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना 25, और बेटा यहाँ बचा 5 6 30, वो भी अपॉन में, और उसकी पावर -2, और बेटा -2 का क्या करेंगे, जो भी पावर अगर -2 में है तो इसे उल्टा करेंगे तो पावर +2 हो जाएगी, यानी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 25 4 ज़ा 100, और 100 × 100 में 4 ज़ीरो आ गए, और ये ऊपर जाके 30 का पावर +2 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर। इस तरीके से आप N2 निकाल लेंगे, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 ज़ीरो यहाँ आएंगे, 4 ज़ीरो यहाँ आए, 9 × 10⁶, ये आपकी वैल्यू आ गई। समझ पा रहे हैं कैसे करना है, ठीक है बेटा, समझ लीजिए, नहीं कर पाए थे तो नोट कर लीजिए समझ समझ के। अभी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए, करने से दिमाग खुलता है। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्सेस 1 किलो न्यूटन, फोर्स की यूनिट दे रखी है 1 किलो न्यूटन। किलो का मतलब क्या होता है, जी हाँ 1000, फोर्स की यूनिट 1000 न्यूटन दे रखी है, जबकि होती क्या है 1 न्यूटन होती है, इसने 1000 न्यूटन दे रखी है। कह रहे हैं यूनिट ऑफ लेंथ, फोर्स की ये थी लेंथ की 1 किलोमीटर है, और टाइम की क्या है 100 सेकेंड। तो कह रहे हैं कि मास की यूनिट बताओ भैया क्या रही होगी। तो सिंपली कैसे करेंगे बेटा, फोर्स की बात करें तो फोर्स के डायमेंशन आपको पता है क्या होते हैं, यस ML T-2। यहाँ पे सबकी तो वैल्यू दे रखी है, फोर्स की यूनिट, L की यूनिट, T की यूनिट, 3 की यूनिट दे रखी है, चौथे की निकाल लो। जैसे क्वेश्चन में इन तीनों की दे रखी होती तो इसकी निकाल लेते, अभी इसकी 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 दे रखी है तो इसकी निकाल लेंगे, कैसे चलिए करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, जो भी यूनिट इधर डालेंगे, जिस सिस्टम में भी इधर डालेंगे, यहाँ वाली यूनिट भी उसी सिस्टम में होनी चाहिए। जैसे अगर आप इधर SI यूनिट डाल रहे हैं, SI सिस्टम में वैल्यू डाल रहे हैं, तो इधर भी SI में ही डालेंगे। जैसे आपने यहाँ पे 1000 न्यूटन डाला, तो बेटा 1000 जो है वो SI सिस्टम में है, तो इधर भी SI सिस्टम की ही वैल्यूज डालिए, ताकि इधर उधर कट के आंसर आ जाए। यहाँ पे M पता नहीं है आपको, L यहाँ पे बेटा 1 किलोमीटर दे रखा है, क्या ये SI यूनिट है, नहीं, SI यूनिट होती है मीटर, तो इसे आप मीटर में कन्वर्ट करिए 1000, ठीक है। और यहाँ टाइम कितना दे रखा है, टाइम सेकंड में दे रखा है, और SI में भी सेकंड में ही होता है, तो यहाँ पे सेकंड कर दीजिए, ठीक है। और उसकी पावर कितनी, -2, तो ये लीजिए सॉल्व कर लीजिए, ये 1000 से 1000 तो कट गया, 1 इज इक्वल टू m, इधर पावर -2 है तो नीचे जाके +2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1/100 की पावर 2 हो जाएगा, जो हो जाएगा कितना, m × 1/10⁴, और इधर जाके m आ गया आपका 10⁴। बोले सर यूनिट क्या होगी, बेटा अभी बताया कि इधर सब ऐसा यूनिट नहीं है, अगर इसकी मीटर इसकी सेकंड, इसकी मीटर इसकी सेकंड, तो मास की क्या आएगी, kg। तो यही पूछा था उसने, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, 10⁴ kg। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ओके प्यारे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्यारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, कई स्कूल्स में कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। और प्यारे जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हैं, जो आपके कॉम्पिटिशन में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाइए, बोल रहे हैं इफ़ द यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी आर फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी, यूनिट दे रखी है क्या 20 न्यूटन, लीजिए लिख लेता हूँ, ठीक
ठीक है, और आपको एनर्जी दे रखी है और वेलोसिटी दे रखी है, एनर्जी की 200 जूल और वेलोसिटी की 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा क्या फोर्स की एसआई यूनिट 20 न्यूटन होती है? जी नहीं, न्यूटन होती है सिर्फ, ऐसा यूनिट न्यूटन का मतलब 1 न्यूटन। ऐसी एनर्जी की 1 जूल होती है और वेलोसिटी की 1 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर इन्होंने 20-200 कुछ 1 से बढ़ाकर वैल्यूज़ दी हैं फोर्स की, एनर्जी की और वेलोसिटी की, तो ऑब्वियस ही बात है जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं मास, लेंथ और टाइम, जिसकी यूनिट हम मास की केजी, मीटर और सेकंड लेते हैं, 1 केजी, 1 मीटर, 1 सेकंड, ऑब्वियसली अगर ये 1-1 नहीं है तो ये भी 1-1 नहीं रही होंगी। क्या रही होंगी मास, लेंथ एंड टाइम की यूनिट्स, वो हमने निकालना है जिसकी वजह से फोर्स की, एनर्जी की और वेलोसिटी की ये यूनिट्स आ जाएं। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? कह रहे हैं मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स बताओ क्या रही होंगी जब फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी की ये यूनिट्स हैं। तो देखने में लग रहा है टिपिकल, लेकिन देखिए कितनी चुटकियों में सॉल्व हो जाना है। यहाँ पर आप ये करेंगे, तीनों फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी के लिए डायमेंशंस डाल देंगे। आप देखिए यहाँ पे प्यारे, ये जो 20 फोर्स के डायमेंशन होते हैं, फोर्स के क्या डायमेंशन होते हैं? फोर्स के होते हैं आपके, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फोर्स के होते हैं MLT-2, जिसकी वैल्यू दे रखी है 20। एनर्जी के क्या होते हैं? ML2T-2, जिसकी दे रखी है 200, और वेलोसिटी की LT-1। बेटा डायमेंशंस याद होने चाहिए तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे, सारे डायमेंशन नहीं लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज जो क्वांटिटीज के डायमेंशन है वो तो आपको याद होने ही चाहिए। तो बेटा आपके पास ये तीन इक्वेशन आ गई, आपको निकालना क्या है? आपको M, L और T की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे मैथ्स में करते हैं, अगर आपके पास तीन अननोन वेरिएबल्स हैं तो कम से कम इक्वेशन भी आपके पास तीन इक्वेशंस होनी चाहिए ताकि उनकी वैल्यूज निकल आए। तो आप देखिए आपके पास तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं, अब आपको इनको कुछ ऐसे सॉल्व करना है मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके कि जिससे एम, एल और टी की वैल्यू निकल आए। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन में से कौन सी दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि सारी चीज़ें कट के सिर्फ एक क्वांटिटी बच जाए जिसकी हम वैल्यू निकाल लें। देखिए देखिए ज़रा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पे गौर फरमाइए। देखिए ये T-2 M और M अगर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे लेकिन एक L बच जाएगा। तो सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर दें, किसको किससे? 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या जादू होगा 2/1 करने से, ये इधर है 2 लिख दे रहा हूँ, ML2T-2 = 200, और उसके नीचे 1 को डिवाइड किया पूरी इक्वेशन ML T-2 और इधर 20। तो देखिए एम से एम पूरा कट गया, T-2 कट गया और एल की पावर 1 ऊपर जाके 2-1 सिर्फ 1 बचेगी, तो ये एक एल बच जाएगा और इधर ये कट के 10 बच जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आ गई वैल्यू आ गई, यूनिट और लिख दीजिए, ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी मीटर। ऐसे ही बेटा आपके पास L आ गया, अब बताइए क्या कर सकते हैं इन इक्वेशंस का, क्या कर सकते हैं कि T और M आ जाए? अरे ये देखिए थर्ड इक्वेशन में अगर L की वैल्यू डाल दें तो T बच जाएगा और वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन लिखते हैं, थर्ड इक्वेशन है LT-1 = 5, यानी L/T = 5, L की जगह लिख दे रहे हैं 10/T = 5। तो T इधर गया तो T = 10/5 = 2, तो T आ गया आपका 2। क्या यूनिट? जी हाँ, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड। अभी M तो निकालना आसान है, अब तो निकाल सकते हो M, कोई भी एक इक्वेशन ले लो। चलो फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं जो क्या लिखी है, ML T-2 = 20, यहाँ पे किसकी वैल्यू डाल देनी है? जी हाँ, L और T की वैल्यू डाल दीजिए, M निकल आएगा। ये लीजिए M, ऐसे ही L की जगह लिख दे रहे हैं 10 और T की जगह लिख दे रहे हैं 2^-2। ये लीजिए 0 से 0 कट गया और बेटा यहाँ ऊपर की पावर, ऊपर माइनस टू है तो इसे अपॉन में लिख दें तो पावर क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। और ये M × 1/4 = 2, यानी M = 4×2=8, और यूनिट क्या होगी? मास की के जी। तो यही इसमें बेटा पूछा था
कि मास, लेंथ और टाइम की यूनिट निकालिए, ये आपने निकाल दिया। तो प्यारे, ये इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस थे समझाने के लिए। प्रैक्टिस के लिए अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ एडवांस लेवल के बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे और इलेवेंथ के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, जिसमें पहली एप्लीकेशन थी हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, ये मैंने आपको समझाया। और अगले लेक्चर में हम सेकंड एप्लीकेशन पे आएंगे, कौन सी एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। फिलहाल ये सारे चैप्टर करने के बाद आखिरी में हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे, उसका अलग से लेक्चर होगा, जिसका लिंक सारे लेक्चर्स का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके जा सकते हैं। फिलहाल उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा, आप सबको समझ में आया होगा। जितने भी बच्चे ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जल्दी से अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपनी प्रेजेंस मार्क कर दीजिए इस लेक्चर में। फिलहाल बच्चे, आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।